यह एक ऐसी अनोखी कहानी है जिसमें विधि के विधान के सत्य को दर्शाया गया है। इस कहानी में एक औरत है और उसके दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। औरत की आयु पूरी हो जाती है और ब्रेन हैमरेज के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यमराज उसे लेने आते हैं। शेष कहानी वीडियो में देखें। मैं यमराज हूँ पुत्री और तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है बिटिया। मैं तुम्हें लेने आया हूँ पुत्री, चलो मेरे साथ। ना प्रभु, ऐसा मत करी, हमरा पे दया करी। अभी तो हमार छोट छोट बच्चा बड़े प्रभु, कुछ दिन खातिर और मोहलत दे दी। हम आपके पैर पकड़े थे, हमरे पे दया करी। सुनी हमर बात प्रभु, सुनी। अबही तो हीरावा के दूध के यहाँ रावा हो, अबही यहाँ चरवा जन छो लाई ये पिधाना। विधि का विधान है बिटिया, इसे कोई टाल नहीं सकता बेटी। जो आया है उसे जाना ही है बिटिया। नहीं प्रभु, हमारे को और बात सुनी प्रभु। जी मारे के सामने खैली का समिया, हमारे पति हमरे बिना ना जी पाए। संगे जी मरे के कसम खेले बनी जा। जी ये मारे के संगे खेले कसमिया, गाइले भी दसा पिया देख के बचनिया। हो ममता के साया जनिहा टाई ये विधान।
गायत्री या ब्रह्मा का लेख है बेटी, इसे कोई टाल नहीं सकता, इसे कोई काट नहीं सकता। विद्या तुम्हें चलना ही होगा बेटी। इतने निर्दयी नग बनी प्रभु, सास ससुर के नाही केहू बा सहारावा। मेरे लिए इन बातों का कोई मोल नहीं है बिटिया, तुम्हें चलना होगा बेटी। नहीं प्रभु, हम ना रहते, हमरा सास ससुर के सहारा बने। सास ससुर के नहीं केहू बा सहारावा, बुढ़ापा में जिंदगी होई जाई आगे मजबूर है पुत्री, सबको एक नए दिन जाना है बिटिया। अगर ऐसी बात का प्रभु जी तो हमरे एक सवाल के जवाब दें। पूछो बेटी। मारे के राहे काहे देहला जाना मावा, जब मर ही के रहे तो जनन कहे देनी। बताई प्रभु, बताई बताई ना हमरा से। मारे के रहे काहे दिहला जाना मावा, हमारा परिवार के काहे पोरला करा मावा। शेष कहानी अगले एपिसोड में देखें।